के वास्तु टिप्स। नंबर एक, खाना कभी भी चप्पल या जूते पहनकर नहीं पकाना चाहिए। नंबर दो, बुधवार के दिन बाल और नाखून कटवाने से घर में बरकत आती है। नंबर तीन, जब भी घर में रोटी बनाए पहले रोटी गाय को दे, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत आती है। नंबर चार, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाइए, इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। नंबर पाँच, हर रोज पक्षियों को दाना डालें, ऐसा करने से करियर और तरक्की के बीच आ रही सारी बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। नंबर छः, घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाइए, यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता लाता है। नंबर सात, रोटी बनाते समय पहले तवे को अच्छे से धो ले, इसके बाद तवे पर एक चुटकी नमक डालकर रोटी पकाना अच्छा होता है। नंबर आठ, सप्ताह में एक बार घर में गूगल का धुआं करना बहुत शुभ माना गया है, इससे मन प्रसन्न होता है। नंबर नौ, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देती है। नंबर दस, शुक्रवार की रात महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती है। नंबर ग्यारह, घर में हमेशा चार पांच रोटी ज़्यादा बनानी चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है और घर की आर्थिक स्थिति भी सही रहती है। नंबर बारह, तरक्की और सफलता पाने के लिए गंगा जल को पूजा घर में रखें।